प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले के तहत 71,000 लोगों को नियुक्ति देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर देश भर के 45 शहरों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में की हैं। करीब 24,000 लोगों को अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पिछले महीने भी पीएम मोदी ने 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। केंद्र सरकार का टारगेट अगले साल तक 10 लाख लोगों को नौकरी देने का है। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 से पहले आम आदमी पार्टी ने एक और स्टिंग बम फोड़ा। बीजेपी ने आपको लेकर एक स्टिंग वीडियो जारी किया, जिसमें एमसीडी चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता संबित पात्रा और विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एमसीडी चुनाव के टिकट के लिए आपने रिश्वत मांगी है। वार्ड नंबर 54 से बिंदु श्रीराम को टिकट देने का वादा किया था और इसके बदले 80 लाख रुपए की मांग की थी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन को फर्जी बता दिया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हर रोज नई नौटंकी लेकर आती है। इन्होंने कहा कि बस घोटाला हुआ है, उसमें कुछ मिला नहीं। इन्होंने कहा कि सड़कों में घोटाला हुआ, उसमें भी कुछ मिला नहीं। अभी 4 दिन पहले ही इन्होंने कहा था कि कोई टिकट घोटाला हुआ, इसकी भी जांच हो गई, ये भी जांच कर ले। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि मैंने नेताजी के साथ काफी समय बिताया और उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं अखिलेश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे मैंने नेताजी को कभी निराश नहीं किया, मैं आपको भी कभी निराश नहीं करूंगा। रामपुर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आजम खान के करीबी फसाहत शानू ने बीजेपी का दामन थाम लिया। एक समय आजम खान के मीडिया प्रभारी रहे फसाहत शानू की रामपुर में अच्छी पकड़ मानी जाती थी। चर्चा थी कि इस बार समाजवादी पार्टी उन्हें रामपुर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी भी बना सकती है, लेकिन टिकट न मिलने के बाद अब शानू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गुजरात विधानसभा की एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेसी नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात दिखाने वाले बयान का जवाब दिया। सुरेंद्रनगर की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी को औकात बता देंगे। अहंकार है ये भाइयों, अहंकार। आप तो पता राज परिवार से हैं, मैं तो एक सामान्य परिवार की संतान हूँ। मेरी कोई औकात नहीं थी, आपको मेरी औकात दिखाने की जरूरत नहीं है। मोदी ने कहा, मैं तो सेवक हूँ, सेवादार हूँ। सेवक की सेवादार की कहीं औकात नहीं होती। विकास न बुंदन चर्चा नहीं करता। एक कांग्रेस वाला कहे थे, आ मोदी ने नहीं औकात बतावी देशु औकात। मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, तमे तो बता राज परिवारों छो, हूं तो एक सामान्य परिवार नु संतान छु, मारी कोई औकात नहीं बापा, तमे मारी औकात देखाड़वानी। भारत जोड़ो यात्रा के बीच गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर वार किया। सूरत की जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों के साथ अन्याय करती है, ये देश आपका है जो बीजेपी ने आपसे ले लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान को जोड़ने का काम एक गुजराती महात्मा गांधी ने किया था। हम किसान से बात करते हैं तो दुख होता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, युवाओं का सपना इस देश में चूर चूर हो रहा है। भाई और बहनों, दुख किसानों से बात करकर होता है, युवाओं से बात करकर होता है, आदिवासियों से मिलकर होता है। किसानों को सही दाम नहीं मिलता, बीमा का पैसा नहीं मिलता, कर्जा नहीं माफ होता, युवा बेरोजगार हैं, उनके सपने टूटते जा रहे हैं। हिंदुस्तान को जोड़ने का काम महात्मा गांधी जी जो गुजरात के थे, एक गुजराती थे, उन्होंने किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्धा मर्डर केस में एक धर्म विशेष को निशाने पर लिए जाने को लेकर आपत्ति जताई है। अशोक गहलोत ने कहा कि आग लगाना आसान होता है, लेकिन उसे बुझाना मुश्किल होता है। अशोक गहलोत ने कहा कि एक धर्म को टारगेट बना दिया गया, उसके आधार पर देश के अंदर आपकी राजनीति चल रही है, उसका फायदा आपको मिल रहा है, क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर इकट्ठा करना हो, एकजुट करना हो, संगठित करना हो, भीड़ बनानी हो, तो बड़ा आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान है, आग को बुझाने में वक्त लगता है। ये घटना है, घटना दुर्घटना है,
ये तो नाम दे दिए गए हैं, नाम दे दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं, आप इसको किसी रूप में ले लीजिए। ये तो कोई नई बात नहीं, सदियों से इंटरकास्ट इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है कोई नई बात तो नहीं है। पर जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उनके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर। श्रद्धा मर्डर केस में अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा कि अशोक गहलोत का बयान देश को शर्मसार करने वाला है। पूरा देश इस बात को लेकर आक्रोशित है, लेकिन उनको ये दुर्घटना नजर दी। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, उसको टॉर्चर किया गया, सोची समझी रणनीति के तहत मर्डर किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शिवाजी पर बयान को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के कई शहरों में एनसीपी ने विरोध प्रदर्शन किया, तो मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। उधर चंद्रपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। राज्यपाल ने शनिवार को कहा था कि शिवाजी पुराने दिनों के आइकॉन थे। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को राज्य का आइकॉन बताया। राज्यपाल ने औरंगाबाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को डी लिट देने के लिए आयोजित समारोह में ये बात कही थी। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद योगी सरकार अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के आय का स्रोत की जांच कराएगी। ज्यादातर मदरसों के सर्वे में आय का स्रोत जकात बताया गया था। सर्वे के दौरान बताया गया कि मदरसों को कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद सहित सऊदी अरब और नेपाल से जकात मिलती है। योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और बताया सीएम योगी से मंजूरी को लेकर गंभीरता से जांच की जाएगी। इसके साथ गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर क्या कार्रवाई हो इसका खाका भी तैयार किया जाएगा। नेपाल से लगे बॉर्डर इलाके सिद्धार्थनगर में 500, बलरामपुर में 400, लखीमपुर में 200 और श्रावस्ती में 400 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सभी 6 दोषियों की रिहाई के फैसले को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का सरकार का फैसला देरी से मिलने वाले ज्ञान के जैसा है। कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका लगाएगी।